आज हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पैरामीटर को देखेंगे, स्टैटिस्टिक को देखेंगे और लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को थोड़ा सा देखा था, उसकी कलेक्शन के सोर्सेज देखेंगे कि प्राइमरी डाटा के लिए वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिसे हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी के लिए कौन कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है पैरामीटर, स्टैटिस्टिक एंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले पैरामीटर को देखते हैं कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर किसी भी पैरामीटर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग अ करैक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन की किसी करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही है उसे हम पैरामीटर कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक क्लास है, उसके नंबर्स का डाटा है आपके पास, तो वो पूरी क्लास के जो नंबर्स हैं, वो जो पूरी क्लास है, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पास पॉपुलेशन होंगे। और अगर आप उस पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनकी एवरेज ले लो, तो वो आपके पास पैरामीटर होगी, क्योंकि पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनकी जो एवरेज है वो तमाम जो पॉपुलेशन है, मीन्स के जो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक खास करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही होगी। पूरी पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक जो कि उनके नंबर हैं उनको डिस्क्राइब कर रही होगी, तो वो आपके पास पैरामीटर होगा। तो इस तरह से हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिक्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था और उसकी हमने टाइप्स भी देखी थी। अब हम इधर स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं जिसमें एस नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। आपके पास पैरामीटर में क्या था? ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन की किसी खास करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक है वो आपकी पॉपुलेशन के किसी सैंपल की करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही हो तो वो स्टैटिस्टिक है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी पॉपुलेशन के सैंपल की करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें 500 स्टूडेंट्स शामिल हैं, एक कोई आर्ट कंपटीशन हुआ है जिसमें 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो आप देखना ये चाह रहे हो कि उस आर्ट कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं उनकी क्या एवरेज निकली है। लेकिन आपकी अप्रोच पूरे 500 स्टूडेंट्स तक नहीं है, आप रैंडमली कोशिश करके सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सके, तो उन 500 में से वो जो रैंडमली आपने 100 स्टूडेंट्स को अप्रोच किया वो आपका सैंपल होगा। अगर उन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप पूछ के उसके ही आप एवरेज निकाल लो उनके आर्ट कंपटीशन में मार्क्स पूछ के, तो वो आपके पास स्टैटिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन का एक ख़ास आपने सैंपल लिया, 500 की पॉपुलेशन थी जिनमें आपने 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया और उनके मार्क्स की जो आपने एवरेज निकाली वो सिर्फ उस सैंपल की करैक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रही थी, वो आपके पास स्टैटिस्टिक होगी। अब नेक्स्ट हमने ये लास्ट लेक्चर के लेक्चर नंबर 2 के एंड पे देखा था कि कलेक्शन वाइज जो डाटा है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं प्राइमरी डाटा और एक हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हमने देखा था ऐसा डाटा होता है जो कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो कोई रिसर्च कर रहा है, वो डायरेक्टली खुद उसको कलेक्ट करता है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। जो रिसर्च कंडक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटर जो डाटा खुद कलेक्ट करता है उसे आप कहते हो कि वो प्राइमरी डाटा है, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि जो यूज़र है उस डाटा का, उसने उसे कलेक्ट नहीं किया होता, यूज़र के अलावा किसी और ने कलेक्ट किया होता है, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसको आप कहते हो कि ये सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है हम ये देखेंगे कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी डाटा के लिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा को कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट इसका सोर्स है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि आप खुद ही आप ही एक रिसर्च कर रहे हो, आप खुद ही से लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। मिसाल के तौर पे आप ये सर्च करना चाह रहे हो कि आपका कॉलेज है, आप कॉलेज में सर्च करना चाह रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स किस पर्सनैलिटी टाइप के हैं, तो आप खुद ही से इन्वेस्टिगेट करो, खुद ही वन बाय वन उन स्टूडेंट्स के पास जाओ, उनकी पर्सनैलिटी चेक करो और वो डाटा कलेक्ट करो, उसके बाद उस पर जो भी आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, काम करना है, रिसर्च करनी है, वो करो। तो दिस ये एक सोर्स है प्राइमरी डाटा के कलेक्शन का। सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें आप क्या कर रहे होते हो?
आप इनडायरेक्टली कोरली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो। फिर थर्ड वन है आपके पास थ्रू इन्यूमिरेटर, अब और फोर्थ वन है थ्रू क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी आप बांटते हो क्वेश्चन पूछ के लोगों से, क्वेश्चन पेपर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके कोई रिसर्च, जिस तरह कॉलेजेस वगैरह में भी आपके पास जो रिसर्च कर रहे होते हैं साइकोलॉजी के स्पेशली स्टूडेंट्स, वो एक क्वेश्चन पेपर आपको दे देते हैं, तो उसको आपने फिल करके कुछ उसमें क्वेश्चन होते हैं आपकी कुछ चीज़ों के बारे में, जो भी उनका रिसर्च टॉपिक होता है उसके बारे में मुख्तलिफ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें आप फिल करके बता रहे होते हैं। और फिफ्थ आपके पास इसका सोर्स है लोकल सोर्सेज और एजेंट। और फिर सिक्स्थ वन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आप टेलीफोन कॉल करके लोगों से किसी खास चीज़ के बारे में जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो पूछते हो, इंटरनेट के थ्रू भी आप ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ईमेल्स लोगों को करके, ईमेल में भी आप डायरेक्ट वो फर्स्ट हैंड डाटा आपके पास आ रहा होता है तो वो भी आपके पास प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का सोर्स होगा। और ये जो इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है इन्यूमिरेटर, ये किसे कहते हैं? ये इन्यूमिरेटर वो पर्सन होता है जो सेंसस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, डाटा कलेक्शन का जो सेंसस हो रहा होता है उसमें खुद वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसका मेंबर होता है, तो उसके थ्रू आप जो डाटा कलेक्ट करते हो तो वो उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, उसने खुद वो मरदमशुमारी की होती है, वो डाटा उसके पास आया होता है वो आपको देता है, तो इस वो जो डाटा आपके पास आता है वो भी प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का सोर्स होता है। और अब हमारे पास है सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन, आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जो कि फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो सेकेंडरी डाटा मुख्तलिफ गवर्नमेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपके पास जो स्टैटिस्टिकल द पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवीजन, फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्टर्स ऑफ फूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया होता है गवर्नमेंट सोर्सेज से, जो डाटा कलेक्ट हुआ होता है अगर आप उसको पकड़ के उस यानी जो भी आपने रिसर्च करनी है उसके लिए डाटा आप गवर्नमेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर लो तो वो सेकेंडरी डाटा होगा या सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन का सोर्स होगा, क्योंकि वो डाटा आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने खुद कलेक्ट नहीं किया। सेकेंड आपके पास सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन का सोर्स है सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज, जैसे आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई डाटा लेके आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, वापटा से आपके पास आया, रेलवे बोर्ड वगैरह से आया, तो ये तमाम सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, इनके इनका जो डाटा होता है उसको पकड़ के अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो आपके पास सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं। थर्ड वन इज़ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का जो डाटा होता है उसको लेके अगर आप वो डाटा आप कलेक्ट करके उस पर काम कर रहे हो तो वो भी आपके पास सेकेंडरी डाटा होगा, या ये एक जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जो डाटा कलेक्ट होता है ये एक सोर्स है जिसके थ्रू आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। एंड द फोर्थ वन इज़ टेक्निकल एंड ट्रेड जनरल, एंड द फिफ्थ वन इज़ इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है वो हमने प्राइमरी डाटा की कलेक्शन का सोर्स के तौर पे भी देखा और सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन के सोर्स के तौर पे भी देखा। प्राइमरी डाटा में तब होगा जब आप खुद ही इंटरनेट के थ्रू कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हो, और सेकेंडरी डाटा के सोर्स के थ्रू इंटरनेट तब होगा जब इंटरनेट पे कोई किसी और ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वो उसने इंटरनेट पे रखा हुआ है, आप इंटरनेट से वो डाटा उठा के उस पर काम कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा आपके पास होगा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही।